Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. It's me Wahiuddin, YouTube channel. Assalamualaikum everyone, कैसे आप सब लोग? My name is Fariha. Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे. हम लोग ना आज चांद ग्रहण है ना, तो हम लोग चांद ग्रहण हो जाने के बाद क्या करते हैं कि आप लोगों को सबको बताने वाले हैं आज. हाँ. तो चलिए साफ सफाई करने वाले हैं हम लोग शुरू में, तो चलिए कर देंगे. चलो तो सबसे पहले हम लोग कपड़े धो देंगे. कपड़े धोने के बाद पूरे घर की सफाई कर लेंगे. उसके बाद हम लोग पूरे सीढ़ियाँ धो के लाएंगे. बाहर बाल खाने की पूरी गंदी हो गई है, उसको भी साफ कर देंगे. अब पूरा साफ कर लिए तो अच्छा रहता है ना फ्रेंड्स. तो इसके बाद हम लोग झाड़ू दे देंगे. रूटीन काम है, डेली करने का कानिच है, मगर उस दिन पर्टिकुलरली कर लेना अच्छा है. किस लिए कर लेना है ये सब आपको मैं आगे बताऊंगी. वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए एंड तक. और इस तरीके से अच्छे से पोछा भी दे देंगे हम. ये साल ना चांद ग्रहण रात में, हफ्ते की रात को 28 को 1:30 बजे से 2-3 बजे तक था शायद. रात का खाना सालन बचे तो फेंक देना है, खाना नहीं इसको. तो अब हम लोग पूरे किचन साफ कर लेंगे. बर्तन चूल्हा पूरा किचन कट्टा पूरा साफ करके रख लेंगे. अब किचन कट्टा साफ कर रही हूँ मैं. और घड़े में पानी भी नहीं रखना है, फेंक देना है बासी पानी. बासी कुछ भी नहीं खाना है और नहीं पीना है. चूल्हा देखिए कितना गंदा हो गया है, तो चूल्हे को भी साफ कर लेंगे हम. तो मैं आगे बताऊंगी, बोली थी ना मैं आपको चांद ग्रहण भी रहने दे, सूरज ग्रहण भी रहने दे, ये सब क्या है बोले तो दुनिया के ऊपर भला है जैसा. तो भला परिंदों के ऊपर भी आ सकती है, जानवरों के ऊपर, इंसानों के ऊपर भी आ सकती है. तो हम लोग का क्या करना है, छोटा सा काम करना है, इतना ज़्यादा तो कुछ भी नहीं. रात में ग्रहण पकड़े हो तो खाना सालन बचे हुआ रहता तो उसको फेंक देना रहता. फेंक दे के हम लोग फ्रेश पका के खाना है. तो मैं काम में थी, पकाई नहीं, बच्चे ट्यूशन को गए थे, तो इसलिए मैं सोची बच्चे आने के बाद उनको पूछ के ही बना दूंगी. तो किचन साफ हो गया है, अब कपड़े बाहर सूखने डाल देंगे हम लोग. तो फरियानों आने का टाइम हो गया है, तो फरियानों आ गए बाद हम लोगों को क्या बनाना की पूछ के पकाऊंगी मैं. तो फरियाना थोड़ा सर्दी हुई उनको, उन्होंने खाना नहीं खत्म हो रहे, तो इसलिए मैं सोची अंडा भाजी बना दूंगी, बल्कि सोच रहा हूँ. तो अंडा भाजी की रेसिपी मैं आपको इस वीडियो पर शेयर करने वाली हूँ आपसे. चलिए बना लेंगे. फरियाना अंडे की दुआ पढ़ रहे हैं अब, अंडा उबालने का है. तो फरिया को अंडा उबालना बहुत पसंद. इसको अच्छे से वॉश कर लेके इसमें रख देते हैं ट्रे में, और उसके बाद इन्हों मशीन में रख देते हैं. इस मशीन में बहुत अच्छा उबलते हैं अंडे, 5-10 मिनट में उबल जाते हैं. थोड़ा सा पानी डालना है इसमें और इसको लग लगा के स्विच ऑन कर देना है. ये अच्छे से उबल जाते हैं. फरिया को बहुत पसंद है ऐसा उबालना. मशीन में रखते हैं ना, इसलिए बहुत पसंद करते हैं उन्होंने. मैं उबालता हूँ बोलते हैं. लेकिन रख दिए हैं ना हम लोग. इसके बाद आटा लेके छन्नी कर लेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ा लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सोडा नमक डालेंगे और पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको. वहाँ पे अंडे उबल रहे हैं, वो उबले तक हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के रख देंगे. अंडे अच्छा उबल रहे हैं, थोड़ी देर है तो उबल जाते हैं. हो गया, बंद हो गया है. और कढ़ाई रख लेंगे.
इसमें ऑयल डाल लेना है हम लोग, अब थोड़ा फूल डाल लेना है ताकि अंडा भाजी डूबना है ना, इसलिए थोड़ा फूल डाल लेना है। तो ये ऑयल गर्म हो गए तक अपन अंडे देखेंगे, बढ़िया निकाल रहे हैं उसमें से, बहुत गर्म है वो, उनको बहुत पसंद अंडे का छिलका निकालना। इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, थोड़ा ठंडे हो जाते हैं ये, छिलका भी बहुत अच्छा निकलता है इस मशीन में उबालने के बाद, देख सकते हो आप कितना आसानी से निकल जा रहा है। तो अंडा भाजी इसलिए बना रही हूँ मैं, उनको थोड़ा सर्दी है ना इसलिए बना लेंगे, बल्कि समझी। अंडे में थोड़ा हल्दी, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डाले तो सर्दी फटाफट चले जाती है। ये उबाले से अंडे है ना, ये आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये गरम गरम ऑयल में तल देना है, थोड़ा देख के हल्दी डाल देना है इसमें, नहीं तो ऑयल हाथ पे आ जाएगा ना, इसलिए थोड़ा हल्दी डालना है। और हम लोग चारों है ना, इसलिए चार अंडे डाल रही हूँ मैं, और भी थोड़ा आटा बच रहा तो मैं ऑनियन भजी तल दूँगी, वो भी आपको इसमें बता दूँगी। तो अच्छे से तले गए हैं ये, इसमें से निकाल देंगे अभी, एक टिश्यू पेपर रख के इसमें डाल देंगे। तो ये आटा बच गया था ना, इसमें ऑनियन डालेंगे, करिया पाक, कोथमीर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। करी पाक खाने से भी बहुत अच्छा फ़ायदा है, कोथमीर, करिया पाक, प्याज, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स है ये, बच्चे नहीं खाते ना इसलिए ऐसा पकौड़ी बना के खिला सकते हैं हम। बुखार की मुँह को कौन सा भी अच्छा नहीं दिखता, तो अपन ऐसा करके स्नैक्स के जैसा दे दिए तो वो खा लेते हैं ना, बहुत अच्छा फील होते हैं उन लोग, खाना थोड़ा कम खाते हैं ना इसीलिए बोल रहा मैं। तो अच्छा गर्म ऑयल में डाल देना है इसको, अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया ना, ठंड शुरू हो गई तो सबके भी मिजाजा बुखार आ रही है, सर्दी हो रही है बच्चों को, तो ऐसा तल के खिला दिए तो खुश हो जाते हैं उन लोग। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और उसके बाद एक टिश्यू पेपर में निकाल लेना है, बढ़िया पेपर दो। और अच्छे से तले गए हैं ये, अभी निकाल देंगे हम। तो इस तरीके से बचा हुआ आटा भी डाल देंगे हम लोग, अच्छे से पूरा डाल देके गरम गरम ऑयल में तल देना है। तो आप लोग पूछेंगे ये सब कुछ जरूरी है क्या, बोले तो ज़रूरी तो है, किस लिए बोले तो दुनिया पे बला है बोले तो इंसानों पे भी है जी सच में, तो इसलिए हम लोगों कर लेना है ये सब कुछ। थोड़ा फर्स्ट हम लोगों को मिजाज ठीक से रहना है और हम लोगों को हमारे बच्चों को किसी की नज़र ना लगे, इसीलिए तो ये सब कुछ करना है। तो इसको चाकू से काट लेंगे और इसमें थोड़ा काली मिर्च डालना है, सर्दी जल्दी चली जाती है इसलिए थोड़ा हल्दी भी डाल देना है। हल्दी से भी बहुत फायदे है, दूध में भी डाल के पी सकते हैं, अंडे में भी डाल के खा सकते हैं, ताकि सर्दी खांसी जल्दी चले जाती है, देख सकते हो इस तरीके से डालना है। देखें ना दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से करते हैं, चांद ग्रहण बिरंदे, सूरज ग्रहण बिरंदे, ऐसा ही रौब्य बासी को से फेंक देके
फ्रेश पका के खाते हैं हम लोग, कितने जने ऐसा करते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो ये वीडियो हम लोगों किस लिए निकाले हैं बोले तो हम लोग घर पर छोटा सा बिजनेस है ना हमारा, कपड़ों का बिजनेस है, तो हम लोग डेली कपड़ों ही बता रहे थे। तो हम लोगों कमेंट्स में सब जने बोले तो डेली ब्लॉग निकालना था बोल के, इसलिए हम लोग हमारे घर पर जो भी होंगे जो भी पकाने जो भी खाएंगे हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं हम लोग। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए, दूसरों को नहीं मालूम है ना तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, उन लोगों भी ऐसा ही कर ले सकते हैं। अच्छी बात दूसरों को मालूम करना है ना दोस्तों, इसीलिए हमारे चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।